से जो हमारा माँ बहन का जो इज्जत लूट लिया। नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। वो महिलाएं जो लंबे समय से टीएमसी नेता शेख शाहजहां के जुल्मों का शिकार थी। आज बेशक टीएमसी का ये दबंग नेता पुलिस हिरासत में हो, लेकिन इसके गुंडे अब भी लोगों को डरा धमका रहे, उन पर जुल्म कर रहे हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए 85 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके 5 पीड़ित महिलाएं पीएम से मिलने पहुंची। यकीन मानिए, उनका दर्द सुनकर पीएम की आंखों में भी आंसू आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसे में तमाम सियासी दल अपने लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सेंध लगाने पहुंचे और जमकर दीदी पर जुबानी हमले किए। पीएम मोदी ने बारासात में जनसभा करते हुए कहा कि इसी धरती पर टीएमसी के राज में माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, इस पर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए आप भी क्या कहा उन्होंने। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की सरकार आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बहनों बेटियों पर टीएमसी के नेता अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन अब टीएमसी के माफिया राज के खत्म होने का वक्त आ गया है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लादेश संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। पश्चिम बंगाल के दूसरे दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं ने पीएम मोदी को अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि शेख शाहजहां के गुंडे अब भी उन्हें डरा धमका रहे। उन्हीं के पास जा रही हूँ। क्यों मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी के? जैसे देश को शांति मांग रही हूँ, जैसे अपना वोट अपना देना पड़े, ऐसे ही जा रही हूँ। हम लोग को तो वोट नहीं देता है, देने देता है, तो फिर हम लोग जा रही हूँ उनके पास। जैसे अपना वोट अपना देना है, तो फिर आप देश शांति चाहिए। जैसे जो हमारा माँ बहन का जो इज्जत लूट लिया, वो नहीं यार होना चाहिए। हमारा नरेंद्र मोदी के देखते हैं। संदेश खाली में पिछले 2 महीने में जो कुछ भी हुआ, वो सारे देश ने देखा। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो दर्द, जो अत्याचार वहाँ की गरीब महिलाएं सह रही हैं, उसके बारे में जब खुद वहाँ की महिलाओं ने मिलकर पीएम मोदी को बताया, तो वो भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने यहाँ की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि अब वो उनके साथ हैं, और आज के बाद उनके साथ कोई भी अन्याय मोदी होने नहीं देंगे, और ना ही अत्याचारी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को किसी भी कीमत पर बख्शा जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।